कि मुझे ऐसे निकृष्ट और दुष्ट आदमी की जयंती मनाने में इन्वाइट मत कीजिए। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जो ये पढ़ते हुए बड़े हुए हैं कि हैदर अली, टीपू सुल्तान, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इसका आधार क्या है? ये एक सिलेबस है जो हम सबको पढ़ाया गया है, जो बदलाव कर सकती है ब्यूरोक्रेसी, जो आईएएस, वो यही पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, इससे इतर वो नहीं सोचते। 1857 में वो लगभग बिखरी हुई कुछ ढीली ढाली सी कोई अनियोजित जैसी घटना है, मंगल पांडे का मेरठ के दंगे से कुछ लेना देना नहीं है, उससे पहले ही हैंग कर दिए गए थे। मेरठ में कुछ झंझट हुआ, हमको ये पढ़ाया जाता है कि गऊ और सुअर की चर्बी मिलाकर कारतूस फौजियों को दिए जा रहे थे जिससे झगड़ा हुआ। हम में से किसी के ध्यान में कभी आया है जैसे गाय, मुसलमान गाय नहीं खाता, उसका मांस नहीं था, ये तो मटन खाने वाली जाति थी, गऊ मांस मूलतः अंग्रेजों का मांस था, वो गाय तो इसलिए मारता था ये एहसास कराने की तुम्हारी माँ को मारा मैं, तुम्हारा कुछ भी कर सकता हूं, तुम्हारा शासक हूं, वो हमें सताने के लिए मारता था। इसके लिए बूचरीस थी, धर्मपाल जी की पूरी किताब है इस पर कि कहां कहां बूचरीस थी, बूचड़ खानों में कत्ल करने वाले लोग मुसलमान जरूर थे मगर उनका प्रोडक्शन को वो नहीं खा पाते थे। कभी आप में से किसी ने सुअर की बूचरी सुनी भी है कि जहां सुअर पलते हैं 100-200? गौ की बूचरी तो थी, तो इस सुअर की चर्बी मिलती कहां से थी? इतना बड़ा झूठ हमारे गले से 1857 को हिंदू मुस्लिम एकता का बताने के लिए हमारे गले से उतारा गया, हमने इसके बारे में सोचा नहीं। और एक बड़ी सामान्य सी बात, अंग्रेज हार जाएंगे, हट जाएंगे, कौन आएगा? बहादुर शाह जफर, वो 300-400 साल की सत्ता जिसने हमारे मंदिर तोड़े, हमारी बहु बेटियों को उठाकर बेचा, हम पर गऊ मांस के टुकड़े फेंके, जिसने हमारी लाइब्रेरी जला दी, इसको साबित करेंगे? तो ये जो तर्क है कि अंग्रेजों से जो लड़ा वो देशभक्त और जो अंग्रेजों के विरोध में था वो देशद्रोही, ये तो बेसिक चिंतन गलत है। राष्ट्र किसका है? मैं एक चर्चा सामने से, प्लासी की लड़ाई आपने पढ़ी होगी, प्लासी की लड़ाई में लड़ कौन कौन रहा था, उसमें मैं कहां था, हमारे लोग कहां थे? क्या आपकी जानकारी है कि प्लासी की लड़ाई के लगभग 200 वर्ष बाद कलकत्ता में पहली बार सार्वजनिक दुर्गा पूजा हुई थी, जिसमें डलहौजी मुख्य अतिथि थे, जिनके बारे में वो कहके गई है कि मैंने उसका नाम बदल दिया। इस व्यक्ति के कारण हम सांस ले पाए थे। 200 वर्ष से बंगाल में हमारी हर प्रकार से दुर्गति थी। अच्छा, ये बात एक और तर्क से आपसे पूछता हूं। वंदे मातरम आपने पढ़ा होगा, ये एक उपन्यास है उसका, कुछ असुविधा जी आ रहा हूं, उस विषय पर आ रहा हूं, मुझे रेफरेंस देने थे। 1857 ये जो वंदे मातरम है ये एक उपन्यास का हिस्सा है जिसमें ढाका का नवाब, अकाल फैला हुआ है, उसकी सेना का अन्न और रसद जा रही थी, वहां के स्थानीय लोगों ने उसको छीन कर बांट दिया और ये काम करने वाले संतान बन के सन्यासी थे, उनका ये गीत है वंदे मातरम, अंग्रेज के पक्ष। और उसके बाद जब नवाबी बिखर गई तो अंग्रेज ने उस केओस को भरा, चूंकि रेवेन्यू जनरेट करने का सिस्टम सन्यासी के पास नहीं था, तो अंग्रेज की सहायता के कारण वंदे मातरम मूलतः देशद्रोहियों का गीत हो गया। तो ये जो बेसिक समस्या है कि हमारे मूल चिंतक को हम चैलेंज कैसे करें, आर्य बाहर से आए, ये खंडन कब का हो चुका मगर मीडिया वही कहता है। इमराना कांड सामने का एक घटना है, अभी कुछ 7-8-10 साल पहले एक महिला इमराना ने यह बताया कि मेरे ससुर ने मेरे साथ रेप किया, ऐसे दुष्कर्म कोई भी दुष्ट कर सकता है। तुरंत मोहल्ला पड़ोस खानदान सब इकट्ठे हो गए, अच्छी खासी तादाद में मौलवी आ गए और ये फतवा दिया गया कि तेरा अपने शौहर से तलाक हो गया, तेरा पति अब ये ससुर होगा। इस पर प्रश्न कब हम उठाएंगे? मूल मीडिया राष्ट्र के विपरीत में जो बातें जा रही हैं उन पर कहीं कुछ नहीं कहता, सोशल मीडिया उठा रहा है लगातार ये बातें उठ रही हैं मगर जो मूल मीडिया वो बात नहीं। मैं एक बार थोड़ा सा माफी चाहती हूँ बीच में, मुझे लग रहा है विषय पर ही हम लोग रहे, विषय आज यही है कि सोशल मीडिया बनाम
मुख्य धारा मीडिया, इसी पे लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं अभी, अब तो क्योंकि अगला सत्र भी प्रारंभ होना है। तो जहाँ बात अभी रोहित जी अपनी जो बात आपने उस विषय पर ही रखी थी बात आपने, हम ये चाहते हैं कि अब बहुत सारे सोशल मीडिया के यहाँ पे सिपाही सेनानी बैठे हैं और तुफैल जी के वो सब परिचित भी हैं, अब आप एक एक करके उन सब से भी सवाल ले लें जो उनके मन में इसको लेकर सदा से है कि मुख्य धारा मीडिया वास्तव में एक दूसरे के पर्याय हैं या खाली जगह को भर रहे हैं या कहीं पिछड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल रोहित जी सबसे पहला सवाल सोनल जी पूछना चाहते हैं। सोनल जी, एक इन्होंने जो लास्ट सवाल उठाया ना उसमें सवाल है, पहले में भूमिका थी, आखिरी में सवाल है, उसका मैं जवाब दे देता हूँ। इमराना का आपने जिक्र किया, मैं पलासी पे 1857 पे सुअर की चर्बी पे, गाय के मांस पे, लॉर्ड डलहौजी पे, दुर्गा पूजा पे, सब पे विस्तृत बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आज उसका दिन नहीं। दिन है जो आपने आखिर में सवाल किया कि सोशल मीडिया में तो दिखाई देता है, मीडिया में क्यों नहीं दिखाई देता। मैंने उसके अभी आपको कई उदाहरण दिए, फिर देता हूँ। इमराना की जो आप बात कर रहे हैं, उस समय तो सोशल मीडिया लगभग ना के बराबर था और ये मीडिया की वजह से ही चर्चा में आया, अखबारों ने छापा और मुझे अच्छे से याद है जी न्यूज़ में हमने 3 दिन बाकायदे पंचायत लगाई थी, पूरी बुरके वाली महिलाएं, सारे मौलाना मौलवी बैठते थे उसमें आके, और कई कई घंटों तक वो टेलीविजन पे लाइव चला। उसके बाद मजबूरन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये कहना पड़ा कि हम एक मॉडल निकाह नामा लेके आ रहे हैं जिसमें कुछ चीजों को हम सुधार के रखेंगे। अब वो मॉडल निकाह नामा कितना लागू हुआ, कितना नहीं हुआ, उस मॉडल निकाह नामे का एक्सेप्टेंस क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कानूनी तौर पे उस मॉडल निकाह नामे के बाद कितने लोगों ने ऐसे रिश्तों को या काजियों के फैसलों को चैलेंज किया या नहीं किया, ये धर्म के मानने वालों और जानने वालों के आपस की बात है। लेकिन टेलीविजन मीडिया की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मजबूरन एक मॉडल निकाह नामा लेके आना पड़ा, जो 1400 साल से उनका निकाह नामा चल रहा था उसको बदलना पड़ा समय की जरूरत के हिसाब से। और ये बात पता नहीं क्यों आप लोगों को ध्यान नहीं है या याद नहीं है, उसी समय गुड़िया कांड भी हुआ, मेरठ की गुड़िया थी, उसका पति फौजी था, वो मिसिंग हो गया, उसकी दूसरी शादी करा दी गई, उसके बाद वो पति लौट आया, उसको लेके टेलीविजन ने एक लंबी मुहिम चलाई, उसके बाद उस परिवार को इंसाफ मिला। टीवी का काम इंसाफ देना नहीं है, टीवी का काम सारे तथ्य सामने रख देना है, टीवी रख देता है, बस आप उसको कोई एजेंसीज कैसे आगे प्रेजेंट कर पाती है या नहीं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप जेसिका लाल से उठा के आज तक देख लीजिए, जहां जहां आपको लगा है नाइंसाफी हो रही है वहां वहां फाइनली टीवी या अखबार या मीडिया की वजह से ही, जिसमें आप सोशल मीडिया भी आ जाता है, बाद में नैरेटिव्स चेंज हुए हैं और होने पड़े, और यही मैं कह रहा हूं इतनी देर से।